यस, 12th फिजिक्स मिरर फॉर्मूला कंटिन्यू पार्ट ए हो चुका। कॉन्वेक्स लेंस जब रियल इमेज बना रहा था, और मैंने ये भी कह दिया था कि एक ही मेथड है, इसलिए अन्य दो पार्ट्स, कॉन्वेक्स लेंस जब वर्चुअल इमेज बना रहा हो एंड कॉनकेव लेंस, इन दोनों का डेरिवेशन इस वीडियो में तेजी के साथ इसलिए समझ जाएं क्योंकि मूल बात तो आप इससे पहले वाली वीडियो में समझ ही चुके हैं। बस मुझे वही काम इसमें भी करना है, इसे थोड़ा सा तेजी चलूंगा, बाकी तो आप जानते ही हो। एक बार मैं रिपीट कराता हूं, ऑब्जेक्ट और इमेज का पहला क्रॉस सी पे और दूसरा क्रॉस एफ पे, बस यही दो मूल मंत्र हैं, और उन दोनों को आपस में मिला दो, मिरर फॉर्मूला रेडी। तो मैं हो रहा हूं शुरू पार्ट बी, कॉन्वेक्स लेंस व्हेन वर्चुअल इमेज इज फॉर्म। ये आप अच्छे जानते ही हैं कि फोकस को पार करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं वर्चुअल इमेज में एफ डैश, तो ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे सेम और जो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के वो इसके फोकस से मिल जाएगी। रेलवे नहीं बनेगी, दैट पेस कम फ्रॉम, और इसको पीछे हटाएंगे और ये बनेगी वर्चुअल इमेज आई आई डैश ओ डैश, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, इमेज दिखनी चाहिए आपको और वो बहुत बढ़िया दिख रही है, सब कुछ ठीक ठाक है। आई डैश ना नजर आ रहा तो आई डैश है, ओके बच्चों। तो फॉर्मेशन ऑफ वर्चुअल इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस इज एज शोन, बस बहुत इतना लिखना। फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट और इमेज का पहला क्रॉस सी पे, तो हेंस ट्रायंगल सी ओ डैश सिमिलर टू ट्रायंगल सी आई आई डैश, therefore o o dash upon i i dash is equal to c o upon c i, equation 1। अब ऑब्जेक्ट जगह ले लोगे इसको ए सी को, ऑब्जेक्ट इमेज वही रहेगी फोकस, अब दूसरा क्रॉस फोकस एफ ए सी और एफ आई आई डैश एंड ट्राइंगल एफ सी ए सिमिलर टू ट्राइंगल एफ आई आई डैश, सिमिलर है इसलिए छोटे ट्राइंगल का ए सी अपॉन बड़े ट्राइंगल का आई आई डैश परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस एफ सी या सी एफ और एफ आई, छोटे का बेस कौन बढ़ेगा, याद करें वही सब कुछ बातें हैं जो फर्स्ट वीडियो में बताई गई थी, उसी को फॉलो किया जा रहा है। बट ए सी इज इक्वल टू ओ ओ डैश, देयरफॉर ए सी ओ डैश है तो ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश इज इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ आई, इक्वेशन नंबर 2। ओके, इक्वेशन नंबर 2 थोड़ा सा ये देख लेना, नोट कर लेना चाहो तो पॉज करके आफ्टर दिस। From one and two, दोनों में O dash सेम है, so CO upon CI, CO upon CI is equal to CF upon FI, CF upon FI, इतना क्वेश्चन ठीक आ रहा, सही है। यदि ये वैल्यू, सॉरी C, ये all distance will be measured from C, so FI written as CF plus CI.
CF प्लस CI एंड ऊपर CF है CO CI नाउ ऑल डिस्टेंस स्टार्ट्स फ्रॉम C सो CO U एंड V माइनस है एंड F प्लस है CO माइनस U माइनस V CF प्लस का F प्लस का F बट CI इज माइनस V ओके मल्टीप्लाई माइनस वी एफ इक्वल टू माइनस यू एफ एंड माइनस माइनस प्लस यू वी सो यू वी वहीं छोड़ दीजिए इसको दे लिया यू एफ एंड माइनस वी एफ एंड डिवाइडिंग बाय यू वी एफ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय यू वी एफ का भाग दोगे तो वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू ओके और थर्ड पार्ट डाल दीजिए फॉर कॉनकेव लेंस ओ ओडेस ऑप्टिकल सेंटर ए इट्स डाइवर्स ओके डाइवर्स दैट अपीयर्स कम फ्रॉम फोकस सो दिस इमेज इज फॉर्म्ड आई डैश फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई कॉनकेव लेंस इज एज शोन बस इस फोकल नेगेटिव होती है इसके लिए तो इमेज भी नेगेटिव ऑब्जेक्ट भी नेगेटिव और फोकल लेंथ भी नेगेटिव सब नेगेटिव है और अपना कार्यवाही चालू करना है एज शोन लिख के डायग्राम बना के ऑब्जेक्ट और इमेज का पहला क्रॉस सी ट्रायंगल सी ओ डैश सिमिलर टू ट्रायंगल सी आई डैश देयरफॉर ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश छोटे ट्रायंगल सॉरी बड़े ट्रायंगल का परपेंडिकुलर अपॉन छोटे ट्रायंगल का परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बड़े ट्रायंगल का बेस अपॉन छोटे ट्रायंगल का बेस सीओ अपॉन सी आई सीओ अपॉन सी आई मैं तेजी से इसलिए बता रहा हूं कि इससे पहले वाली वीडियो आराम से बता चुका हूं वही काम इसमें करना है इसलिए तेजी से चल रहा हूं प्यारे बच्चों सीओ कौन सी है इक्वेशन वन सिमिलरली अब दूसरा क्रॉस एफ पे और ओ ओ डैश का काम करता है ए सी एफ आई आई डैश और एफ सी ए ट्रायंगल एफ सी ए सिमिलर टू ट्रायंगल एफ आई आई डैश FII therefore देखें तो बड़े ट्रायंगल का AC अपॉन छोटे ट्रायंगल का II डैश इज इक्वल टू बड़े ट्रायंगल का बेस CF अपॉन छोटे ट्रायंगल का FI ओके ध्यान तो याद है बाकी बट AC is equal to OO dash, therefore OO dash is equal to OO dash upon II dash is equal to CF upon FI. CF upon FI. Equation 2. बिठा दो 1, 2 को. From 1 and 2. CO upon CI. CO upon CI is equal to CF अपॉन एफ आई सी 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 से स्टार्ट ये नहीं बस सी से स्टार्ट तो CO अपॉन सी आई इज इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ आई सी एफ माइनस सी आई सी एफ माइनस सी आई पुट द वैल्यूज माइनस यू माइनस वी माइनस एफ एंड माइनस वी तो प्लस वी
मल्टीप्लाइंग माइनस माइनस प्लस, वी एफ माइनस माइनस प्लस यू एफ एंड माइनस यू वी। तो यू उधर ले आइए, यू वी इधर आ गया और उधर यू एफ माइनस वी एफ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय यू वी एफ। इसमें यू वी एफ का भाग दोगे, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। और ये भी कहता हूं कि इतना आसान है, इस कारण फटाफट बता दिया और आप भी समझ गए फटाफट। अगर इससे पहले वाली वीडियो को पार्ट ए ढंग से समझा हुआ है तो ये अच्छी तरह समझ में आया होगा, ओके। और इसके बाद प्यारे बच्चों लीनियर मैग्निफिकेशन हेडिंग डालना और अगली वीडियो की प्रतीक्षा करना, लीनियर मैग्निफिकेशन, ओके बाय।